बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेक सिटी लाहौर में एक 10 मरले का घर लेकर आया हूं, जो कि इस वक्त मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइन में इस घर को तैयार किया गया है। इस घर की अगर लोकेशन की बात करूँ तो लेक सिटी के M5 सेक्टर में बना हुआ यह घर है। M5 सेक्टर यहाँ पे लेक सिटी मॉल और ग्रैंड मॉस के इंतहाई करीब तरीन है। और अगर इस घर की लोकेशन की बात करूँ तो सिर्फ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। घर में अंदर जाने से पहले मैं आपको इस घर का स्ट्रीट ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये इस घर की राइट साइड है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं सामने M5 सेक्टर की मेन एंट्रेंस है। और इस इधर सामने है 45 फीट का मेटल रोड। ये इस घर की सराउंडिंग्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी और गैस इस घर में अवेलेबल है। इस घर के कवर्ड एरिया की अगर बात करूँ तो वो है 3606 स्क्वेयर फीट। और इस घर का फ्रंट है 29.6 स्क्वेयर फीट, 30.6 इस घर की बैक साइड है, और लेंथ है इस घर की 75.10 स्क्वेयर फीट। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं इस घर की पूरी डिटेल्स और फिर उसके बाद प्राइस शेयर करूंगा। एक और चीज़ इस घर के बारे में खास ये भी है कि नॉर्मली घरों को बनाने के लिए ईंटों की रोड़ी का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी बुनियादों के लिए दीने के बजर का यूज़ किया गया और उसके साथ टर्माइट ट्रीटमेंट किया गया, जिसकी 15 साल की वारंटी भी है किसी भी किस्म की टर्माइट से बचने के लिए। तो अब बढ़ते हैं घर के ओवरव्यू की जानिब। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है इस घर का कार रैंप, जहाँ पे ज़ियारत वाइट मार्बल का यूज़ किया गया। और ये कार पोर्च है, यहाँ पे भी ज़ियारत वाइट मार्बल का ही यूज़ किया गया। कार पोर्च इतना बड़ा है जहाँ पे 2 गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली, जबकि तीसरी गाड़ी को अगर आप चाहें तो लेफ्ट साइड पर पार्क कर सकते हैं। यह है सीलिंग डिज़ाइन कार पोर्च का, और 2 एक्सेस हैं कार पोर्च से। अगर आप लेफ्ट साइड पे होते हैं तो ड्राइंग रूम का रास्ता दिया गया है यहाँ पर। मैं पहले ये आपको विजिट करवा देता हूँ। ये ड्राइंग रूम है, सामने आप देख सकते हैं इंपोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है। और यह है इसका सीलिंग डिज़ाइन। इसकी दूसरी साइड पे टीवी लाउंज है ग्राउंड फ्लोर का, जिसको पार्टीशन करके सेपरेट किया गया है ड्राइंग रूम से। और यहाँ लेफ्ट साइड पे स्लाइडिंग विंडोज़ बनाई गई हैं एल्यूमिनियम की, जिनमें 5 mm के ग्लास को फिक्स किया गया है। पूरे घर में जितने भी दरवाजे हैं उनको बनाने के लिए येलो पाइन वुड का यूज़ किया गया है। और इस घर के दरवाज़ों की चौकाठों में दयार की लकड़ी का यूज़ किया गया। ड्राइंग रूम से बाहर आके ये कारपोर्च आ जाता है, और यहाँ से मेन एक्सेस है घर की। यहाँ पे फुट स्टेप्स पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। और ये है घर के ग्राउंड फ्लोर का टीवी लाउंज। ये है इसका सीलिंग डिज़ाइन। सेंटर में शैंडिलियर को लगाया गया और सामने इंपोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है। इधर लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम आ जाता है। और ये है सामने मीडिया वॉल। पूरे घर में गनी टाइल्स का यूज किया गया, ये देख लें आप। और इधर से राइट साइड पे ग्राउंड फ्लोर के किचन को डिजाइन किया गया। किचन में और वॉशरूम में मास्टर टाइल्स, उसके अलावा पूरे घर में गनी टाइल्स का यूज़ किया गया। आप जैसे ही एंटर होते हैं ये कैबिनेट्स आ जाती हैं। A+ क्वालिटी का चाइनीज बर्नर है, और उसके साथ किचन हुड। यहाँ पे वॉश बेसन, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की विंडोज़ हैं ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। राइट साइड पर आप देख सकते हैं एग्जास्ट फैन। और यहाँ पे डोर को डिज़ाइन कर दिया गया, जहाँ से आप अपने गैलरी एरिया से एक्सेस ले सकते हैं किचन की। 5 फीट की ये स्ट्रीट है, ये जो आप देख रहे हैं गैलरी की। और किचन से बाहर आके राइट साइड पे थोड़ा सा लेफ्ट पे आप देखेंगे, ये है स्टोर रूम। और स्टोर रूम की बैक साइड पे ये है बेडरूम नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर का। सीलिंग डिजाइन देख लें। जैसे ही आप एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे ये बेड वॉल है इस बेडरूम की। यहां पे भी इंपोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है। और ये है मीडिया वॉल, जिसकी लेफ्ट साइड पे वार्डरोब को डिजाइन किया गया है।
जबकि ये एलुमिनियम की विंडोज़ हैं सिक्योरिटी ग्रिल्स के साथ। विंडोज़ में 5 mm ग्लास का यूज़ किया गया है। और बेड वॉल की राइट साइड पे अटैच्ड वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। कंप्लीट मास्टर टाइल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे। इस वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं वेरी राइट पे वैनिटी को डिज़ाइन किया गया है, उसके ऊपर मिरर, जबकि सामने पोर्टा कंपनी का कमोड है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम की विंडोज़ भी बना दी गई हैं और उसी के साथ एग्जॉस्ट फैन को भी फिक्स कर दिया गया है। बेडरूम नंबर 1 से बाहर आते ही लेफ्ट साइड पे बेडरूम नंबर 2 आ जाता है इस घर का। ये इसका सीलिंग डिजाइन। ये बेड वॉल है इस बेडरूम की। यहां पे भी स्लाइडिंग विंडोज दी गई हैं ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। आप चाहें तो इस वॉल को मीडिया वॉल बना सकते हैं या सामने वाली वॉल को मीडिया वॉल बना सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और यहां से थोड़ा सा आगे आके आप देखेंगे वॉकिंग क्लोजेट को डिजाइन किया गया है। वॉकिंग क्लोजेट के राइट साइड पे अटैच वॉशरूम है। यहाँ लेफ्ट साइड पे शॉवर, पोर्टा कंपनी का कमोड है और वैनिटी, उसके ऊपर मिरर। पूरे घर में फैसल सैनिटरी की वाटर एसेसरीज और सॉरी वॉशरूम एसेसरीज को डिजाइन किया गया। ये वार्डरोब है। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। आप जैसे ही यहाँ से मेन एंटर होते हैं राइट साइड पे थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे डोर को डिज़ाइन कर दिया गया है, जहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर के प्लान की एक्सेस ले सकते हैं। इसकी एक सबसे अच्छी बात यह भी है, आप इसको चाहें तो डबल यूनिट हाउस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक पोर्शन अगर आप अपने पास रखना चाहें, दूसरे पोर्शन को आप इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया पूरे घर में। यहाँ पे आप जैसे एंटर होते हैं राइट साइड पे ये पाउडर रूम है इस घर का। और ये स्टेयर्स हैं जो फर्स्ट फ्लोर की जानिब लेके जा रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये गैलरी एरिया से भी एक्सेस ले सकते हैं आप। ये स्टेयर केस है जहाँ पे अगेन ज़ियारत के वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। सामने वॉल पे इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है, स्टेनलेस स्टील की रिलिंग्स हैं। ये स्टेयर से ऊपर आके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज। सामने अगेन इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग भी देखने को मिलती है। और पूरे घर में ICI और ब्राइटो कंपनी का पेंट यूज़ किया गया है। ये सामने इसकी एलिगेंट सी खूबसूरत सी मीडिया वॉल। ये है सीलिंग डिज़ाइन। सेंटर में शैंडिलियर को लगाया गया है और टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही ओपन किचन को डिज़ाइन कर दिया गया है। इसका सीलिंग डिज़ाइन भी देख लें आप। वुडन टेक्सचर टाइल्स की फ्लोरिंग की गई है यहाँ पर। सामने वॉश बेसन है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की विंडो ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, जबकि राइट साइड पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन को भी फिक्स किया गया है। और अगेन यहाँ पे बर्नर है और उसके ऊपर किचन हुड। इस मीडिया वॉल की बैक साइड पे फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 को डिजाइन किया गया है। इस पूरे घर में टोटल 6 बेडरूम्स हैं।
दो बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे, थ्री बेडरूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और एक बेडरूम को इसके सेकंड फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया है। बेडरूम्स का मिनिमम साइज़ 14x12 और मैक्सिमम साइज़ 15x15 है। ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं, इस बेडरूम का साइज़ भी 15x15 है। ये है इसका सीलिंग डिज़ाइन। आप जैसे ही इस बेडरूम में एंटर होते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है। और इस बेडरूम में ही वार्डरोब्स को डिज़ाइन कर दिया गया है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। और ये सामने मीडिया वॉल, राइट साइड पे फ्रंट टेरेस आ जाते हैं, आप यहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं। और दूसरी एक्सेस भी है, मैं आपको वो भी विजिट करवा देता हूँ। इस मीडिया वॉल की बैक साइड पे ही अटैच वॉशरूम को डिज़ाइन कर दिया गया है। आप इस वॉशरूम में जैसे एंटर होते हैं, वेरी राइट पे वैनिटी है, उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं मिरर, और उसके साथ कबर्ड भी है, जबकि बिल्कुल सामने बोर्डा कंपनी का कमोड है, शॉवर और सामने एग्जॉस्ट फैन। एक स्टोर रूम आपने देखा था ग्राउंड फ्लोर पे, और दूसरा स्टोर रूम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया। ये फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 2, ये है इसका सीलिंग डिज़ाइन। और बेडरूम में एंटर होके लेफ्ट साइड पे ये बेड वॉल है, जहाँ पे अगेन इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है। यहाँ पे वार्डरोब को डिज़ाइन कर दिया गया, जबकि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडोज दी गई हैं सिक्योरिटी ग्रिल्स के साथ। और ये मीडिया वॉल है इस बेडरूम की, मीडिया वॉल की लेफ्ट साइड पे ही अटैच्ड वॉशरूम को डिज़ाइन कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पूरे वॉशरूम में मास्टर कंपनी के टाइल्स का यूज़ किया गया। इस वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे शावर को फिक्स किया गया, और उसके साथ राइट साइड पे पोर्टा कंपनी का कमोड है, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की विंडो है, और उसके साथ एग्जॉस्ट फैन भी है। मजीद आप इस वॉशरूम में एंटर होते हैं तब बिल्कुल सामने वॉश बेसन है, और उसके ऊपर मिरर, ये डोर डिजाइन है। फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 2 से जैसे ही बाहर आएंगे तो यहां पे लेफ्ट साइड पे बेडरूम नंबर 3 है। यह है इसका सीलिंग डिज़ाइन। लेफ्ट होके यहाँ पे बेड वॉल है इस बेडरूम की। यहाँ पे वार्डरोब को डिज़ाइन किया गया, और यह है सामने मीडिया वॉल। और इधर सामने स्लाइडिंग विंडोज हैं एल्यूमिनियम की, ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, जबकि यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया। पूरे घर में GM केबल्स का यूज़ किया गया है वायरिंग के लिए, और पॉपुलर कंपनी के पाइप्स को यूज़ किया गया है पूरे घर में। ये था फर्स्ट फ्लोर, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर के सेकंड फ्लोर की जानिब, और वहीं पे रूफ टॉप है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके टेरेस की एक्सेस का रास्ता। ग्राउंड फ्लोर से आप जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड पर फर्स्ट फ्लोर का मजीद प्लान डिज़ाइन किया गया, जबकि उसी के सामने टेरेस की एक्सेस के लिए रास्ते को डिज़ाइन किया गया। ये फ्रंट टेरेस आ जाता है। प्राइवेसी का यहाँ पे खसूसन ख्याल रखा गया कि अगर मेड वगैरह किसी काम के सिलसिले में उन्हें फ्रंट टेरेस पे आना भी पड़ता है, तो वो बिल्कुल एक सेपरेट रास्ते से यहाँ की एक्सेस ले सकती हैं। और ये जो फ्रंट पे मिरर देख रहे हैं, 12 mm के
ग्लास को यूज़ किया गया यहाँ पर। और इधर से मज़ीद अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो स्टेयर केस है सेम यहाँ पे भी ज़ियारत कंपनी के वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। ये रूफ टॉप है इस घर की और ये है सेकंड फ्लोर पे बनाया गया बेडरूम, जिसको आप चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एज अ बेडरूम यूज़ कर सकते हैं या सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये है अटैच्ड वॉशरूम। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 6 बेडरूम हाउस है ये, जिसमें 2 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 3 बेडरूम्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे और 1 बेडरूम को सेकंड फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया है। और ये कंक्रीट का वाटर टैंक है यहाँ पर। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। मैं अब आपको इसका गैलरी एरिया विजिट करवा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर की जो एक एक्सेस है वो जैसा कि मैं बता चुका हूँ मेन से एंटर होके राइट साइड पे फर्स्ट फ्लोर की आप एक्सेस ले सकते हैं। और दूसरी एक्सेस यहाँ बाहर से कार पोर्च से ले सकते हैं आप। ये जो गैलरी एरिया है इसकी 5 फीट विड्थ है, जबकि बैक साइड पे 7 फीट विड्थ है इसके कंप्लीट। गैस के पॉइंट्स बना दिए गए हैं यहाँ पर, वाटर टैप्स को फिक्स कर दिया गया यहाँ पे। एज अ लॉन्ड्री एरिया आप इसको यूज कर सकते हैं। और वाटर पंप को भी यहाँ पे लगा दिया गया। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो 3 करोड़ है। 3 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है। प्राइस इसकी स्लाइटली नेगोशिएबल है। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।